तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ। आप देख रहे हैं बॉली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की सिकंदर मूवी के बारे में। सिकंदर मूवी के विलन सत्यराज की सेट से, शूटिंग सेट से दोस्तों पिक्चर लीक हो चुकी है। इसका रिव्यू करेंगे, बताएंगे कि भाई विलन का कैसा लुक होने वाला है। दोस्तों साथ साथ भाई सिकंदर मूवी की शूटिंग के सेट पर 4,000 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि भाई सिकंदर मूवी एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो भाई करने वाली है। आज हम सिकंदर मूवी की कई सारी आपको अपडेट देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप सिकंदर मूवी की दोस्तों ये पिक्चर देखें जो कि भाई सत्यराज की है। दोस्तों अब स्क्रीन पे देखें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये मूवी के सत्यराज हैं। इनका इसके अंदर मूवी के अंदर जो रोल होने वाला है भाई, चीफ मिनिस्टर वाला होने वाला, जो अपडेट निकल के सामने आई वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भाई सत्यराज है मूवी के, सिकंदर मूवी के विलन दोस्तों। और ये हैं दोस्तों भाई साहब, दोस्तों इनके लड़के, यानी कि दोस्तों ये जो इनका लड़का है, ये भाई जो बाप है वो अपने बेटे को दोस्तों चीफ मिनिस्टर की दोस्तों भाई तैयारियां करवा रहा है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। आप पोस्टर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सत्यराज के भाई बड़ा पोस्टर लगा हुआ नेता वाला। बाकी दोस्तों ये उनका लड़का है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये सिकंदर मूवी का सेट है दोस्तों भाई, ये कैमरा मैन है दोस्तों। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर शूटिंग लग रही है भाई, यहाँ बिस्लरी की भी बोतल लग रही है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। कहने का मतलब है कि भाई सत्यराज इसके अंदर चीफ मिनिस्टर का करेक्टर प्ले कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि भाई चीफ मिनिस्टर की आड़ में विलन का करेक्टर देखने को मिलेगा आपका सत्यराज का लुक। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर सत्यराज का लुक देख सकते हैं भाई, सफ़ेद दाढ़ी और दोस्तों बुढ़ो वाला लुक है दोस्तों भाई। मुझे यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी वाला दोस्तों लुक लग रहा है बाकी। और दोस्तों सवाल, कई सारे लोगों का सवाल ये है कि भाई सिकंदर मूवी की शूटिंग में 4,000 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, यानी कि 1-1.5 मिनट बाद बात करेंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये जो मूवी है इसके अंदर कई सारे चुनावी मुद्दे भी होने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि भाई जवान मूवी में कई सारे चुनावी मुद्दे थे, कुछ सिकंदर मूवी में कुछ इस तरह के भाई चुनावी मुद्दे भी होने वाले हैं दोस्तों। आपको याद होगा 2014 में जे हो मूवी आई थी, उसके अंदर भी दोस्तों एक CM होता है, बाकी दोस्तों अपनी कुर्सी के लिए भाई वो गैरकानूनी काम करता है, कुछ इस तरह की भाई मुझे लगता है कि भाई सत्यराज भी कुछ इस तरह का करेक्टर प्ले करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी अब बात करते हैं भाई 4,000 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करा, पूछा कि भाई सिकंदर मूवी के सेट पर 4,000 लोगों का ऑडिशन क्यों चल रहा है दोस्तों। दोस्तों वो शूटिंग के लिए तो हैं, यानी कि दोस्तों मुझे लगता है कि अब किसी सॉन्ग के लिए शूट कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जब भाई मैंने ये फ़ोटो देखी दोस्तों, इसके पीछे जो मैंने क्राउड देखा, यानी कि पब्लिक का जो क्राउड देखा, शायद ये उसी के लिए शूटिंग करने के लिए ये जो लोग हैं वो VFX से नहीं डाले गए, सिकंदर मूवी में रियल लोग बुलाए गए दोस्तों। 4,000 लोग, यानी कि भाई 4,000 लोगों की रैली निकाली जाएगी जब भाई सत्यराज, और सत्यराज का दोस्त लड़का है ये जो लड़का है दोस्तों यहाँ पर मूवी के हिसाब से दोस्तों, जब ये दोस्तों चीफ मिनिस्टर दोस्तों कोई या फिर प्रधानमंत्री भाई स्पीच देता है, उसके पीछे भाई लोग भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 4,000 लोग दोस्तों सत्यराज की स्पीच को सुनने के लिए दोस्तों भाई साहब बुलाए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते दोस्तों मूवी में क्या होता है, ये बात तो पता चल गया कि भाई सत्यराज मूवी के अंदर चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं दोस्तों। बाकी शायद ये एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो भाई लोचा होने वाला है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो सत्यराज एक नेता के करेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही है। बाकी सलमान खान इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त सलमान खान बम्बई के अंदर शूटिंग शूट कर रहे हैं दोस्तों, ट्रेन एक्शन सीक्वेंस भाई साहब शूट कर रहे हैं, जो कि बम्बई की लोकल ट्रेन के अंदर, जैसे कि आपको वांटेड का याद होगा कि भाई वांटेड में कितना तगड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट करा था दोस्तों। शायद कई सारी ऐसी फिल्में, एकता टाइगर में भी दोस्तों कई सारी फिल्में जो ट्रेन सीक्वेंस शूट करें, लेकिन भाई जो सिकंदर मूवी का ट्रेन सीक्वेंस होने वाला है वो थोड़ा यूनिक होने वाला है दोस्तों। आप सबको तो पता है कि भाई बम्बई के अंदर सुबह दिन निकलने से पहले रात के 11-12 बजे तक दोस्तों भाई ट्रेनें चलती रहती हैं, लोकल ट्रेनें। अब भाई इतने सारे लोगों को भाई कंट्रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई सत्यराज कह रहा हूँ भाई, फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं AR मुरुगोदास, उन्होंने रात को शूटिंग हो रही है दोस्तों, इसकी रात को शूटिंग हो रही है बम्बई में, यानी कि सुबह 3-4 बजे भाई सिकंदर मूवी के सेट लगाए जा रहे हैं लोकल ट्रेनों में, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों हम इसे थर्ड शेड्यूल भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप सबको तो पता है कि
सिकंदर मूवी का फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल बम्बई में शूट करेगा था, थर्ड शेड्यूल दोस्तों हैदराबाद ताज फलकनुमा प्लेस के अंदर शूट करा गया था। बाकी सिकंदर मूवी का बजट तकरीबन 400 करोड़ के आसपास है। इसकी स्टार कास्ट की बात करें भाई, सलमान खान, सत्यराज सारे के सारे दोस्तों लीड रोल के अंदर हैं। कई सारे स्टार कास्ट है वो मैं आपको बता नहीं सकता। रश्मिका मंदाना दोस्तों उसके अंदर एक लेडीज़ करेक्टर दोस्तों प्ले कर रही है। बाकी ये मूवी ईद 2025 को सिनेमा घरों में आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मूवी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगी और भाई साहब पुष्पा 2 को बराबर की टक्कर देगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं सिकंदर मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।